नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए हम देख लेते हैं सेक्शन 60 टीपीए के बारे में। इसके पहले की सारी सेक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि आपको कुछ कमी लगती है तो आप बता सकते हैं, उन्हें जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन 60 जो है वो क्या बात करती है। सेक्शन 60 में बताया गया है मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार। बंधककर्ता ही है जिसका मोचन कराने का अधिकार होता है। पहली बात तो ये होती है, मूलधन के शुद्ध हो जाने के पश्चात किसी भी समय जब मूलधन शुद्ध मतलब दे दिया जाता है, जब मूलधन जो है बंधक धन पर, तो वो शुद्ध हो जाने के पश्चात किसी भी समय बंधककर्ता का बंधक धन को उपयुक्त समय और स्थान में दिए या निवेदित करने पर यह अधिकार होता है कि वह बंधकदार से अपेक्षा करे कि वह क्या क्या अपेक्षा करे। इसमें ये बात की गई है कि यदि कोई नियत समय और स्थान किया गया था, समय और स्थान किया गया था कि इस समय और स्थान पर बंधक धन को दिया जाना है, और मूलधन का शुद्ध हो जाता है, बंधककर्ता मूलधन को दे देता है, शुद्ध मतलब दे देता है, बंधककर्ता जो है वो मूलधन को उस समय और स्थान पर दे देता है, तो क्या होता है कि बंधकदार से अपेक्षा कर सकेगा। जो बंधककर्ता है वह बंधकदार से क्या अपेक्षा कर सकेगा कि बंधककर्ता को बंधक विलेख और बंधक संपत्ति से संबंधित ऐसे सब दस्तावेजों का परिधान करे जो बंधकदार के कब्जे में या शक्ति में है। पहली बात तो ये, जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को किसी के कब्जे में रखता है और उस संपत्ति को किसी के कब्जे में रखकर वह संपत्ति से कुछ पैसा प्राप्त करता है, ठीक है, जब वह इस शर्त के साथ पैसा प्राप्त करता है कि यदि मैं इस दिन को आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा तो आप इस संपत्ति पर पूरा हक रख लेंगे, आप इसे बेचने के अधिकारी हो जाएंगे, ठीक है। इसको एक आगे देखते हैं, फिर इसको एक एग्जाम्पल से देखेंगे, वो ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें क्या होता है कि जो बंधकदार है, बंधकदार यदि बंधककर्ता है, बंधककर्ता जो पेमेंट है, जो पैसा है वह चुका देता है, तो बंधककर्ता के क्या क्या अधिकार हो जाते हैं। तो बंधकदार से वह अपेक्षा कर सकेगा कि जो भी उसके कब्जे में बंधक जो भी उसके कब्जे में संपत्ति है तो वह उस संपत्ति को किसे दे देगा, संपत्ति बंधककर्ता को बंधक विलेख और बंधक संपत्ति से संबंधित ऐसे सब दस्तावेज का परिधान करे। जो बंधककर्ता है उसको बंधक से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो बंधकदार के पास आ गए थे वो सारे डॉक्यूमेंट किसे दे दे, बंधककर्ता को दे दे। जो बंधकदार के कब्जे में या शक्ति में है, मतलब जो बंधकदार के पास है या कब्जे में है, जहाँ की बंधकदार बंधक संपत्ति पर कब्जा रखता है, जब बंधकदार है वह बंधक संपत्ति पर कब्जा रखता है, वहाँ बंधककर्ता को उस पर कब्जा परिदत्त करे। मतलब यदि बंधकदार का कोई कब्जा है संपत्ति पर तो कब्जा परिदत्त कर दे, मतलब कब्जा दे दे बंधककर्ता के खर्च पर, या तो बंधक संपत्ति उसको या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिससे वह निर्देशित करे, प्रतियंत्रित करे, या यह लेखबद्ध अभिस्वीकृति की ऐसी कोई अधिकार जो बंधककर्ता के उस हित या अल्पीकरण करता है। इसमें यह है कि यदि बंधककर्ता है वह बताता है बंधककर्ता के खर्चे पर, इसमें एक बात देखते हैं, बंधककर्ता के खर्चे पर या तो बंधक संपत्ति उसको या ऐसे अन्य व्यक्ति को, मतलब जो बंधक संपत्ति है उसको या उसके अन्य व्यक्ति को बंधककर्ता के कब्जे पर निर्देशित करें, मतलब दे दे, उस व्यक्ति को दे दे, या फिर बंधककर्ता जैसे बताता है कि आप इसे दे दीजिए तो बंधकदार उस संपत्ति को उस दूसरे व्यक्ति को दे देगा जिसे बंधककर्ता सुझाता है, प्रतियंत्रित करे, या यह लेखबद्ध अभिस्वीकृति की ऐसा कोई अधिकार जो बंधककर्ता के उस हित का अल्पीकरण करता है जो बंधकदार को अंतरित किया गया था, निर्वापित हो गया है, निष्पादित करे, रजिस्ट्रीकृत कराए। मतलब यदि कोई संपत्ति है, ठीक है, जैसे अब इसको एक ये वाली जो लाइन है प्रतियंत्रित करे, और यहाँ से जो कहा गया है कि बंधकदार को अंतरित करे, निर्वापित हो जाएगा, कि इसमें जो बताया गया है, या यह लेखबद्ध करें कि अभिस्वीकृति की ऐसा कोई अधिकार है जो बंधककर्ता के उस हित का अल्पीकरण करता है जो बंधकदार को अंतरित कर, मतलब यह है कि अगर वह कहता है, बंधकदार कहता है कि बंधककर्ता का इस संपत्ति पर कोई हक नहीं है, तो इस चीज़ को क्या करें, वह लिखे और रजिस्ट्रीकृत करें। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से एग्जाम्पल आगे देखेंगे, परंतु यह तब जबकि इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार पक्षकारों के कार्य द्वारा या न्यायालय की डिक्री द्वारा निर्वापित ना हो चुका हो। मतलब न्यायालय द्वारा उस संपत्ति में कोई हस्तक्षेप कर दिया है, परंतु यह तब होगा। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से अब देख ही लेते हैं कि एग्जांपल क्या है। जैसे ए नामक व्यक्ति है, वो बी नामक व्यक्ति को अपनी संपत्ति का क्या करता है, संपत्ति दे देता है, ठीक है, कि आप मुझे इसके एवज में कुछ पैसा दे दीजिए, ठीक है। जब वह पैसे मंगाता है
तो जब शुद्ध हो जाता है, जब ए नामक व्यक्ति इस संपत्ति को बी को दे देता है, जो संपत्ति से रिलेटेड जो पैसा था जो उसने लिया था, उस संपत्ति को रखकर प्रतिभूति तौर पर अपनी संपत्ति रखकर जो पैसा उसने लिया था बी से, वो संपत्ति वो पैसा उसे क्या करता है, बी को दे देता है किसी दिन निश्चित समय और स्थान पर जिस दिन उन लोगों में करार हुआ था, वो पैसा दे देता है। तो यहाँ ये ए है वो बी से क्या अपेक्षा कर सकेगा, मतलब बंधक करता है ये और बंधकदार है ये, तो बंधक करता बंधकदार से अपेक्षा कर सकेगा कि जो उसके पास डॉक्यूमेंट हैं बंधक संपत्ति से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हैं, तो वो भी सारे डॉक्यूमेंट, जब ए ने संपत्ति का पैसा चुका दिया है बी को, तो अब क्या होगा, दो जो संपत्ति से अगर डॉक्यूमेंट रिलेटेड हैं तो सारे डॉक्यूमेंट दे दे, यदि डॉक्यूमेंट के अलावा उसके पास कब्जा है तो कब्जा भी दे दे, यदि कब्जा के अलावा और भी जो भी कोई चीज़ बची हुई है वो सारी चीज़ कैसे दे दे, उस बंधककर्ता को दे दे। परंतु यदि जो जो बी नामक व्यक्ति है वह कहता है कि अब इस पर इसका हक नहीं है, मतलब ए का हक नहीं है इस संपत्ति पर, तो ये परंतु उसके आगे की यही बात करता है कि यदि वह कहता है कि इस पर अब ए का व्यक्ति का हक नहीं है, इसने उस टाइम पर पैसा नहीं चुकाया था, तो इस चीज़ को लिखित करे और रजिस्ट्रीकृत कराए, इसमें यही बात की गई है। ये जो लाइन बोली है ना यहाँ पर कि यह लेखबद्ध अभिस्वीकृति कि ऐसा कोई अधिकार जो बंधककर्ता के उस हित का अल्पीकरण करता है, मतलब जो हित उसका बंधककर्ता का था उसको कम करता है और बंधकदार को अंतरित किया गया है, बंधकदार को जो अंतरित किया गया है वह संपत्ति, तो उसमें उसका किसका हित अल्पीकरण करता है, बंधककर्ता का निर्वापित हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया है, अब बंधककर्ता का कोई हित नहीं है, निष्पादित करे मतलब लिखे उसे और रजिस्ट्रीकृत भी कराए, जहाँ की पर लिखित कहाँ कराएगा, जहाँ की बंधक रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया गया, मतलब यदि बंधक रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया गया है तो ये उसका ये भी कि यदि वह अल्पीकरण किया गया है या कुछ भी तो उसे भी वह कम कराएगा। यदि वह रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा बंधक किया गया था तो उसका समाप्त भी यदि किया जाता है कि उस पर उसका कोई हक नहीं है बंधककर्ता को, तो उसे भी लिखित और रजिस्ट्रीकृत ही कराया जा सकेगा। परंतु यह कब नहीं, परंतु यह तब नहीं, परंतु यह कि इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार पक्षकारों के कार्य द्वारा या न्यायालय की डिक्री द्वारा निर्वापित ना हो चुका हो, मतलब पक्षकार के कार्य द्वारा या न्यायालय की डिक्री द्वारा, मतलब न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश ना दे दिया हो कि अब इस पर संपत्ति पर बंधककर्ता का अधिकार नहीं है या कुछ भी ऐसा, तो न्यायालय की डिक्री द्वारा निर्वापित, मतलब न्यायालय की डिक्री द्वारा समाप्त ना हो गया हो, यदि न्यायालय की डिक्री द्वारा और पक्षकारों के स्वयं के कार्य द्वारा उसका समापन हो गया है तो कोई बात ही नहीं है, परंतु यह दोनों के पक्षकार सहमत नहीं है और न्यायालय की डिक्री दे दी है, तो फिर वह कहता है कि इस पर इसका हक नहीं है, तो इस चीज़ को लिखित और रजिस्ट्रीकृत होना ही चाहिए। इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार मोचन अधिकार कहलाता है और उसे प्रवर्तित करने का वाद मोचन वाद कहलाता है। इस धारा में जो अधिकार दिया गया है यह मतलब संपत्ति को अपने पास वापस लेने का अधिकार, ये कौन सा अधिकार कहलाता है, पैसा अगर शोध टाइम पर दे दिया गया है, जो शोध था वह टाइम पर दे दिया गया तो क्या होगा, मोचन हो जाएगा, संपत्ति वापस मिल जाएगी, उसे ही क्या बोलते हैं, मोचन का अधिकार कहलाता है। जो इस धारा में मिलता है उसे प्रवर्तित करने का वाद मोचनवाद कहलाता है, मतलब उसे प्रवर्तित कराने के लिए वाद मोचनवाद कहलाता है, मतलब यदि कोई कहता है कि इस पर इनका हक नहीं है तो उसके लिए जो वाद लगाया जाता है तो वह मोचनवाद कहलाता है। इस धारा की कोई बात ऐसे किसी उपबंध को अविधिमान कर देने वाली ना समझी जाएगी जिसका यह प्रभाव है कि यदि वह समय निकल जाने दिया गया है जो मूलधन के संदाय के लिए नियत है, या यदि अदक कोई समय नियत नहीं किया गया है तो बंधकदार ऐसे धन के संदाय या निविदा से पहले युक्तियुक्त सूचना पाने का हकदार होगा। इसमें ये है कि यदि कोई विधि है, ये जो लाइन है ये इन लाइनों में यही की गई है कि यदि कोई विधि है जो कहती है कि यदि जब मोचन कराएगा बंधककर्ता, जब मोचन कराएगा तो उसके पहले उसे बंधकदार को सूचना देनी होगी, ठीक है, तो यदि कोई विधि ऐसा कहती है कि मोचन कराने के पहले बंधककर्ता को बंधकदार को सूचना देनी पड़ेगी, तो उस अधिकार को ये वाली विधि, ये जो सेक्शन 60 है, उसे कट नहीं करती, उसे ख़त्म नहीं करती, यदि ऐसी कोई विधि है तो उसके हिसाब से ही कार्य होगा। आगे देखते हैं, तो बंधक संपत्ति के भाग का मोचन, अब बंधक संपत्ति के भाग के मोचन के बारे में बात करता है। इस धारा की कोई भी बात बंधक संपत्ति के अंश में ही हितबद्ध किसी व्यक्ति को बंधक मध्य अवशिष्ट शुद्ध रकम के आनुपातिक भाग के संदर्भ पर अपने ही अंश का मोचन कराने का हकदार नहीं दिया जाएगा, केवल वहाँ के सिवाय जहाँ की बंधकदार ने, या यदि एक से अधिक बंधकदार हैं तो ऐसे सब बंधकदारों ने बंधककर्ता के उस अंश को पूर्णता या भागता अर्जित
कर लिया हूँ। इसमें ये की गई है कि यदि कोई बंधक संपत्ति जो है, जैसे ये वाली कोई बंधक संपत्ति है, तो इसका कोई भाग है, किसी व्यक्ति ने, ए व्यक्ति ने बी के पास ये बंधक रखी थी अपनी संपत्ति, तो वो ये नहीं कह सकता कि इसका मैंने थोड़ी सा पैसा दे दिया है तो आप इसका कुछ भाग है मुझे दे दीजिए, तो उसका मोचन नहीं कराया जा सकता। जितनी आपने पूरी संपत्ति उसके किसी भाग का मोचन कराने के लिए नहीं कराया जा सकता यदि किसी संपत्ति को बंधक रखा गया है, सिवाय किस दशा में, सिर्फ उस दशा में ही ऐसा मोचन कराया जा सकता है बंधकदार ने या एक से अधिक बंधकदार हैं, जहाँ की बंधकदार हैं तो उन्होंने क्या किया है, तो ऐसे सब बंधकदारों ने बंधककर्ता के उस अंश को पूर्णतः या भागतः अर्जित कर लिया है। यदि जो बंधकदार हैं जैसे बी था यहाँ पर बंधकदार, तो बंधकदार ने जो संपत्ति इसके पास इन्हें बंधक रखी थी, तो इस पर क्या किया है, बी ने इसे खरीद लिया है, या एक से अधिक बंधकदार हैं तो इन्होंने क्या किया है कि इसे खरीद लिया है, तो यदि खरीद लिया है, हित पूरा अर्जित कर लिया है, तो ही क्या होगा, तो ही उसके भाग का मोचन कराया जा सकता है, अन्यथा उसके किसी भाग का, संपत्ति के भाग का मोचन नहीं कराया जा सकता। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगता है तो आप बता भी सकते हैं, तो थैंक यू।